ब्लॉग में मैं आज आपको जो है दिखाऊंगा रानीखेत, और उसके बाद जहाँ जहाँ जाऊंगा वो सारी जगह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसी वीडियो में नहीं बता रहा कि उसके बाद मैं अगला करूंगा, लेकिन पहले आपको मैं रानीखेत दिखाऊंगा। फिलहाल हम नैनीताल से भवाली होते हुए कैची धाम मंदिर, जो कैची धाम बाबा का मंदिर मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया है, वहाँ से होते हुए अभी हम यहाँ आ चुके हैं थोड़ा आगे। और एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे आप देखो इस जगह, ये जो जगह आपको दिख रही है ये जगह का नाम है रातीघाट, और हमें यहाँ पर आकर ये दो रिवर का संगम दिखाई दिया है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो एक रिवर ये वाली है जो कि बाबा के कैची धाम मंदिर की तरफ से ही आ रही है, और एक ये सामने से दूसरी वाली रिवर। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा था इसलिए इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब बाकी आगे चलते हैं और आपको आगे के नज़ारे दिखाता हूँ। आ चुके हैं एक मोड़ पर, ये खैरना के पास एक जगह है, मतलब खैरना एक जगह है उसके पास ये आगे आकर रास्ता है। तो जो अभी आपको पुल वाला रास्ता दिखाया है ये रास्ता जा रहा है रानीखेत, और जो सीधा आपको बोर्ड ग्रीन कलर का दिखाया है वो सीधा रास्ता जा रहा है अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग। तो अब हम यहाँ से चलते हैं रानीखेत की तरफ, और फिर आगे के कोई व्यूज है तो वो भी दिखाता हूँ। We'll be right back.
ये जगह आपको दिखाई दे रही होगी, हम जा रहे हैं रानीखेत। और रानीखेत जाते समय रास्ते में ये खूबसूरत जगह दिखी है और यहाँ पहाड़ों पर काफी सारे खेत ही खेत बने हुए हैं। टेंट एरिया में और अभी आपको आगे की व्यूज भी दिखाता हूँ मैं। रानीखेत भैया, रानीखेत की तरफ, रानीखेत कैंट से। अभी ये खूबसूरत सा एरिया जो है ये कैंट का एरिया है रानीखेत। ये देखो, जय हिंद। कितना बढ़िया लग रहा है यार। आप देख रहे हो ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये रानीखेत का कैंट एरिया, सारा का सारा इंडियन आर्मी ने मेंटेन किया है। जय हिंद। Oh,
फाइनली हम लोग रानीखेत में एंट्री कर ही चुके हैं। ये सारा जो आपको एरिया दिख रहा है रानीखेत का ही है। चुके हैं यहाँ पर रानीखेत में और काफ़ी सही टाइम पर पहुँच गया था मैं। अभी रूम वगैरह लेके थोड़ा फ्रेश होकर और फिर अब थोड़ा भूख लगी है तो अब खाने के लिए आया हूँ। तो फिलहाल मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ और हम खा रहे हैं डोसा। तो मेरे सामने फिलहाल डोसा रखा है और मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम बता देता हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है स्वाद रेस्टोरेंट। ये भैया ये कौन सी रोड है आपकी? सदर बाज़ार रानीखेत में। सदर बाज़ार में ये मतलब रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, मतलब नॉन वेज और वेज दोनों मिलेगा। और भैया का डोसा स्पेशल है तो अभी हम इनका डोसा ट्राई कर रहे हैं। बाकी कल रानीखेत की और वीडियोज़ आपको बाकी भी दिखाता हूँ। मैं घूम रहा हूँ रानीखेत के सदर बाज़ार में। ये सदर बाज़ार है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा जल्दी क्लोज़ हो जाती है इसलिए दुकानें फ़िलहाल कम ही खुली दिखाई दे रही हैं। बाकी कल भी घूमेंगे हम यहाँ पर, देखते हैं फिर और क्या क्या है रानीखेत में घूमने का। फ़िलहाल तो इतना ही दिखाई दे रहा है। रात में करीब 8:30 बजे का टाइम हो रहा है।